हरिओम, मैं राजेंद्र खुरे हूँ। मैं इंदौर उपासना केंद्र से जुड़ा हूँ, बापू से मैं जुड़ा, सदगुरु बापू से मैं जुड़ा था 2000 से। मुझे आज 18 साल हो गए हैं। मुझे विश्वास नहीं था पहले बापू जी पे कि मैं, जो मेरी सिस्टर है महाराष्ट्र में, वो उसका स्वाति लंगर नाम है उसका, तो उसने मेरे को बोला था कि सदगुरु आए हुए अपने कलयुग में, आप उनका कुछ करो। वो हर बार इंदौर में आती थी और मेरे को बताती थी कि आप इनका कुछ करो, इनके मंत्र वगैरह आते हैं वो बोलते रहो, पर फिर भी मेरे को विश्वास नहीं था। तो फिर मैंने एक बार वो इंदौर रामबाग केंद्र में समर्थ मठ में गौरीशंकर वागड़े आए थे, फिर हमको पता ही नहीं था कि वो आने वाले यहाँ पे प्रवचन के लिए। तो अमलनेर से मेरे को फ़ोन आया मेरे सिस्टर का, स्वाति लंगरे का, उसने बोला कि तुम वहाँ पे प्रवचन में चले जाना, तो वहाँ पे बापू के बारे में सब बताने वाले है। तो हम लोग पूरा परिवार वहाँ पे गए थे स्वामी समर्थ मठ में इंदौर में, और उसके बाद में फिर उनका प्रवचन हमने सुना था। हमको लगा कि नहीं यार, कुछ तो भी शक्ति है, मतलब सदगुरु आया हुआ है कलयुग में। तो हमने उस टाइम पे मतलब बहुत बिलीव कर लिया बापू पे। और उसके बाद में मैं घर पे, हम उपासना करते थे बापू जी की, उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह दिए थे मेरे सिस्टर ने, तो घर पे हम करते थे। और उसके बाद में फिर हमारे इंदौर केंद्र में उपासना केंद्र चालू हो गया, फिर हम उपासना केंद्र में जाने लग गए। तो मैं सन 2000 से बापू से जुड़ा हुआ हूँ, आज 18 साल हो गए मेरे को। और दूसरी बात की मैं, मेरा ये एक छोटा एक अनुभव बताना चाह रहा हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ मैं अनुभव। मार्च में, अप्रैल में 12/13/2012 का एक अनुभव मैं बताना शेयर करना चाहता हूँ आपसे, कि मेरा जो ऊपर जो फ़ैन चल रहा था, सीलिंग फ़ैन, वो शुरू से ख़राब था मेरा। तो हम लोगों ने उसको क्या ध्यान नहीं दिया, उसमें अवॉइड करते रहे। और उसके बाद में फिर हमारे सदगुरु का उपाय यह था, वर्धापन दिन था, उस दिन शनिवार था। शनिवार के टाइम पे फिर हमने उधर से परमिशन ली थी कि हम उपासना कर सकते कि नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे दिन संडे था। तो दूसरे दिन पे हमारा ये चल रहा था, क्या वर्धापन दिन की तैयारी चल रही थी हमारी। तो हमने बहुत सारे, मतलब वहाँ 11:30-12 बज गए हमको तैयारी करते करते। फिर हम पूरा परिवार घर पर आ गए, कुछ लोग वहाँ पर रहे थे, और दूसरे दिन वर्धापन दिन था। और उसके बाद में फिर हम घर पे आने के बाद में, घर पे भी हम बहुत देर तक सो नहीं पाए, कारण किसी ने कुछ क्या करते थे तैयारी, कल की तैयारी की आना करके, ऐसे करते करते हमको 1:30-2 बज गए रात में। और पंखे की, हमारा जो सीलिंग फैन था 24 इंची पंखा है हमारा ओरिएंटल का, वो ऊपर फुल स्पीड में, और गर्मी के दिन थे, फुल स्पीड में चल रहा था वो। और उसके बाद में उसका जो रॉड था वो शुरू से ख़राब ही था, हमने ध्यान दिया ही नहीं था। तो उसकी आवाज़ आ रही थी कट 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 कर, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो उसके बाद में वो हमको फिर रात को 1:30-2 बज गई, सोते सोते हम सब गहरी नींद में सो गए थे। और उस सोने के बाद में फिर एक पीछे वाले कमरे में एक मेरी बालिका की अचानक नींद खुल गई, और वो पीछे के कमरे में चले गए। नहीं तो गर्मी का सीज़न होने के बाद में फुल स्पीड में पंखा चलता है, वोल्टेज भी ज़्यादा रहते हैं। वो पीछे वाले कमरे में बालिका निकल जाने के बाद में फिर थोड़ी देर से फिर हमारी मिसेज भी निकल चले गई पीछे वाले कमरे सोने के लिए। तो देखो बापू ने, सदगुरु ने कैसे हमको बचाया, क्योंकि पूरी स्पेस कर दी उन्होंने। अगर आगे का कुछ उनको पता हुआ कुछ, तो उन्होंने पूरी स्पेस कर दी वहाँ पे। और थोड़ी सी स्पेस में फिर हम दोनों, मेरा बालक और मैं, हम दोनों सोए रहे थे। तो अचानक हमारी गहरी नींद लगने के बाद में फिर अचानक वो पंखा ऐसा गिरा कि फुल स्पीड में होने के बावजूद भी उसका कुछ आवाज़ भी नहीं आया, ना कुछ आया। वो ऐसा घूमते घूमते, एक तो टीवी पे जाता था तो आवाज़ आना था, या फिर हमारा जो दीवार है मंदिर लकड़ी का उस पर जाएगा तो आवाज़ आना था, या उसके जो ब्लेड है वो बेंड होना था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो ऐसा गिरा कि जैसे धीरे से किसी ने नीचे उतार के रखा है। तो हमारी मेरी नींद, सुबह नल आते हमारे पानी भरने के लिए उठता हूँ मैं सुबह, तो मोबाइल में हमने अलार्म अलार्म सेट करा था। तो 5 बजे अलार्म बजा और मेरी नींद एकदम से खुल गई। और खुलने के बाद में तो देखा तो मैंने मेरे सर के पास ही पंखा गिरा हुआ था, उसका फाउंडेशन भी बहुत हेवी था, पुराना पंखा था। पर बाकी बापू ने जो कैसे हमको बचाया, किसी को भी टच नहीं हुआ, मतलब किसी को भी हानि नहीं हुई, ना तो हमको दूसरे दिन प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाते थे हम, बापू का वर्धापन दिन था दूसरे दिन, ना तो हमको दवाखाना देखना पड़ता था।
हरिओम।